अभी सूचना मिली है जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें अभी तक 4 किसान शहीद हो चुके हैं और जिसमें 2 किसानों पर गोलियां चली हैं, वो गोली से शहीद हुए हैं, ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं लखीमपुर खीरी पहुंच रहा हूं और सभी किसानों से, सभी मजदूरों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि आप जहां जहां भी एकत्र हैं कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं आ जाती। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी उसी के मुताबिक आगे का आंदोलन ये चलेगा। आज सरकार ने जो ये दिखाया है कि ये पूरी तरीके से गुलामी का जो शासन इन्होंने याद दिलाया है, हम सब किसान मजदूर एकजुटता से इसका जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ेगा। और हम मांग भी करते हैं कि तुरंत उन पर जो राज्य मंत्री के बेटे हैं और उनका परिवार के जो लोग थे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अभी सूचना मिली है जो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है उसमें अभी तक 4 किसान शहीद हो चुके हैं और जिसमें 2 किसानों पर गोलियां चली हैं, वो गोली से शहीद हुए हैं, ऐसी सूचना भी प्राप्त हुई है। मैं लखीमपुर खीरी पहुंच रहा हूं और सभी किसानों से, सभी मजदूरों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि आप जहां जहां भी एकत्र हैं कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जब तक संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल नहीं आ जाती। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल होगी उसी के मुताबिक आगे का आंदोलन ये चलेगा। आज सरकार ने जो ये दिखाया है कि ये पूरी तरीके से गुलामी का जो शासन इन्होंने याद दिलाया है, हम सब किसान मजदूर एकजुटता से इसका जवाब देंगे और भारतीय जनता पार्टी को ये भारी पड़ेगा। और हम मांग भी करते हैं कि तुरंत उन पर जो राज्य मंत्री के बेटे हैं और उनका परिवार के जो लोग थे उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।